संगत इतने शहीदी समागम ने उत्थे हाजरी भर रहे हैं तो नौजवानी की नब्ज तुम वेखन पता लगनी चाहिए है। जे मीडिया एक गल आप दसे सू पुछण तो बिना तो चंगी गल है मैं लगता फिर नौजवानी की की रौ है जे सानू असी तो कहेंगे नौजवानी साढ़े नाल है पर तुसी दिखाउणी है संसार दे विच भी नौजवानी का रौ की है। आंदे वलवरे नौजवान तो यही भी नौजवान ने होर जुल्म नहीं सहना तो हुकूमतों को चाहिए भी शांतमई तरीके सिखां दे हक दिते जाण। देखो उन्होंने ना एक तरीकाकार अपनाया पंजाब दे हकां दी कोई गल करे उन्होंने आईएसआई नाल जोड़ दो उन्होंने पाकिस्तान नाल जोड़ दो पाकिस्तान हालात अगे इहो जिहे खराब ने उन्हां दी अपनियां मुश्किलां चल रही ने सो इन्हां नूं अपने वल ध्यान देना चाहिए इत्थे भी इत्थे लोकां दीआं की मुश्किलां ने जे सिखां दे हकीक हक ना दबण ते ना कोई किसे नूं गल करे ना कोई मोहरे लानण दी गल होवे ये अपने सिखां दे हक दे देण बंदी सिंह रिहा कर देण सिखां दा पाणी ना लुटण सिखां नूं आजादी देण सानूं की लोड़ है सानू कोई लोड़ है भी नौजवानों को यह चाहत नहीं होंगे किसी को भी अपने घर बार छड़ के अस सड़क तुरे फिरीए। रणजीत बिट्टू बड़ा विरोध कर रहे वो बयान मेरे ख्याल निबड़ गया मैं ये गल कही है भी बंदे का पासपोर्ट महात्मा गांधी के कोल ब्रिटिश इंडिया का पासपोर्ट से हुण तुसीं दसो भी महात्मा गांधी अंग्रेज सी नहीं सी ना तो इस करके दुनिया के उत्ते कोई भी जो आजादी का संघर्ष चलता है नेहरू के कोल पासपोर्ट से जिन्ना के कोल पासपोर्ट से सारे कोल यूके जाते उन्होंने इस कॉलेज के लॉ डिग्रियां जिहड़े ब्रिटिश इंडिया के कोर्स से उन्होंने प्रैक्टिस करते लॉयर की सो मैनू ए लगता भगत सिंह उन्होंने स्कूल के सर्टिफिकेटा ब्रिटिश इंडिया के अंडर स्कूल से सारे मौके के उत्ते सो जदों पावर किसी होर को होंगी है वो तंत्र के अधीन जरूरी तो नहीं ना भी असं अपने तंत्र अपने आपू का हिस्सा मानिए मजबूरी वास्ते हो सकता कोई कहे पासपोर्ट असं ट्रैवल डॉक्यूमेंट ट्रैवल तो करना ही है सो इस करके इशू बनाना ही ये बड़ा नॉनसेंस जहा इशू है कल को करतार सिंह सराभे ने कहूगा भी वो किहड़े पासपोर्ट से अमरीका गया से फिर इदा नहीं ना करना चाहिए। पंजाब देखो असी पंजाबी आइडेंटिटी की गल की इंटैगरल पार्ट कुछ नहीं होंगे जो इंटैगरल पार्ट से तो पंजाब जो पाकिस्तान रह गया वो क्यों छड़िया वो क्यों नहीं अपना नाल लेंदा इंटैग पंजाब तो पंजाब रहना है पंजाब जिहड़ा वा ननकाणा साहब तो बिना लाहौर तो बिना पंजाब की तस्वीर बन सकती है लाहौर पंजाब का पार्ट नहीं सी सो वो छड़ के कहिंदे चंडीगढ़ तुहानू दवांगे हुण दसो चंडीगढ़ पंजाब के पिंड उजाड़ के बनया है वो पंजाब नूं क्यों नहीं दिता फिर पंजाबी बोलदे इलाके हरियाणे के हिमाचल के विच क्यों पाए गए सो इस करके ये गल्लां करनियां इन्हां नूं सोभदियां नहीं इन्होंने पंजाब नाल जिन्ने धक्के कीते जे किसी का इंटैगरल पार्ट होवे तो वह अपने पार्ट का पानी लुटता है किहू अपना मन के तुहाडा पानी लुटीए तुहाडी जमीन खराब कर दीए तुहाडी नौजवानी नूं मारीए ये पंजाब की धरती चाहुंदे कि पंजाब के लोगों भी चाहुंदे पंजाब का माहौल वो खराब कर रहे हैं जो झूठे परचे पाउंदे ने खराब कर रहे हैं जो नशे वेचने नत्थ नहीं पाउंदे खराब कर रहे हैं जो अमृत संचार की मुहिम डकना चाहुंदे ने पंजाब का माहौल खराब कर रहे हैं जेडे नौजवानी न पुराने बंदी सिंह छड़न की बजाय नवियां नूं जेलां च डकण की तैयारी करी बैठे ने पंजाब का माहौल उन्हें खराब किया है। पंजाब का माहौल आ देखो इतने तुहानूं लगता भी कोई नशे करने वाले तुरे फिरते हैं इतने वो नौजवान ने जो नशे के कोड़ चों निकलना चाहते या निकल चुके हैं इन्नी नौजवानी अमर संचार वध्या कि नहीं वध्या ये तुसी आप ग्राउंड ते जाके पिंडां जाके पता करो इत्थे एक पिंड है अजनाले च उस नगर की मैनूं अज ही रिपोर्ट मिली है एक पिंड चों 80 मुंडे नशे च मर गए एक पिंड दे विचों 80 जाने दे नशे दे विच मौत हो जानी ये कोई छोटे मोटा वर्तारा थोड़ी है। मीडिया नूं मेरी बेनती है भी पंजाब की असल तस्वीर इन्हां नूं दिखाई जावे इन्हां नूं दसो भी ये माहौल किन्ने विगाड़िया ये नशे वाला काम किन्ने कंट्रोल च करना सी पुलिस का काम की है ड्यूटी की है ये सारा असी दसी हुण इन्हां नूं जाके जे असी नशियां दे खिलाफ मुहिम तुरीए साडे झूठे परचे पाउण तुर पए सो मेरे ख्याल दे नाल जिहड़ा कारज है वह अपना करनगे तो लोगों के झूठ प्रचार करके अगे ना किसी का कुछ बनया ना गांह बढ़ना। रवनीत बिट्टू देखो उसकी आदत पता की है उसकी आदत है भी यहोजे बयान दे के ते होशापन करके ते अटेंशन चाहता तो जे मीडिया नूं टेंशन देनी बंद कर दूगा तो सारा कुछ ठीक हो जाना। अमृतधारी सिखां ते इल्जाम लाउणा उन्हां नूं कहो भी असीं भाई सरकार दे टुकड़ बोझ नहीं हैगे जिहड़े काम करिए इत्थे आण के नौजवान अमृतधारी हो गए अमृतधारी सिखां ते नशे करन दा इल्जाम लाउणा कोई चंगी गल है सो मैनूं ऐ लगदा भी तुहानूं आप जवाब देना चाहिए मीडिया नूं आप उन्हीं गल्लां जवाब भी कोई सीरीयस इल्जाम को हुंदा नॉन सीरीयस गल्लां करनियां भी नौजवानों नशे करके घरों तोड़ते हैं ये बेवकूफ वाले इल्जाम ने ये तो बचना चाहिए। देखो उन्होंने अपने कार्य करने जिहड़े नहीं किए लोगों की उन्होंने सरकारां सारियां दी रह के चल गई जिहड़े मुद्दे वो कहिंदे सी हल नहीं किए अज ताइयों सत्ता चों बाहर हो गए जिहड़ी मौजूदा सरकार है वह भी यो काम कर रही जो पहलों ने किया सो इस तरीके दे नाल इन्हां दी अपनी जो होंद कोई काम ना किया होवे ते किसे ते इल्जामबाजी करके इन्हां नूं लगता भी साडा छुटकारा इदां नहीं हुंदा इन्हां ने जिहड़े काल तख्त टाउण वाले पार्टियां ने वो ते बयानबाजी करन कोई गुरु की बेदबी कराउण शामिल है कोई चिट्टा पकाउण शामिल है ये सारे बंदे वो बयानबाजी कर रहे हैं जिन्हां दा निजी जीवन इदां दा सो इन्हां दे बयानबाजी की बहुत ही संगतां दे नाल असर हुंदा ना इन्हां दे पिछे कोई तुरदा। मेरी गल सुनो
जिहड़े ने गड्डी दे नां ते साडी गड्डी है, संगत ने भेट की, जिन्हें की मीडिया मैं दस चुका किन्ने की है। सो एवें बिना गल तो इशू बना किन्ने किहदे कोल खरीदी उन्होंने जाके पुछ लो, उन्हों का भूरे कोने पिंड है, उन्होंने परिवार को पुछ लो भी उन्होंने किहदे कोल खरीदी, उन्होंने को NOC हैगी कि नहीं हैगी, सारा कुछ है। हुण गड्डियां देखो एक पास BJP वाले बंदे मेरे खिलाफ बयान देइए, दूजे पास मैनू कहिंदे मैं BJP ने मैनू गड्डी देती है, जां ते गड्डी दे देण ते फिर तो कोई तुक बने। इह ते गड्डी संगत ने लई है, जिहड़े सिख ने सेवा कीती है तुसीं वरतो ना, जथेबंदी दे नां ते कराई है गड्डी, ना लैणा ना देणा। ते जे इदां दी कोशिश हुंदी ते फिर आपां उहो नंबर ला के घुम्मदे फिरते पंजाब दे विच। उहनूं कहो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी पीसफुल तरीके नाल खालिस्तान की मंग करनी कोई माड़ी गल नहीं, ते इस कॉन्स्टिट्यूशन पार्टियां लड़दियां ने खालिस्तान दे उत्ते, ते जे हिंदू राष्ट्र की मंग ते मनदीप सिंह मन्ना कदी बोलिया। सो मेरे लागे मैनूं पता नहीं कि बंदा कौन है एग्जैक्टली, इहो जिहे बंदिआं दा नां ना लिख जाणा ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੋ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀ। ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਤੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਮਰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਅਪੀਲ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ CM ਦੀ ਕੋਠੀ ਛੱਡ ਕੇ PM ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਧ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੁਪਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਰਦਾ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰੀਏ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਗੇ, ਐਡੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਰਤੂਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਆਓਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੇਸ ਆ, ਮਸਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਜਾਊਗੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣੇ। ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਹੋ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸਿਰ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੂਨ, ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਦਾ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਨੌਜਵਾਨੋ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜ ਪੈ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਪਾੜ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾੜ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਾੜ ਕਿਵੇਂ ਪੈਜੂ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ? ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਾਜ ਮਾਣਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੇਖਾਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਆਬਾਦੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਖੜੂਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗੀ।